और दोस्तों अब हम फाइनली जब निकल गए हैं, वाओ देखो सुबह मॉर्निंग का व्यू है, ये बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ऑन वीडियो हाँ दोस्तों, पर अभी इस समय सुबह के 5 बज रहे हैं और अभी वापस निकलते हैं जम्मू के लिए। देखो यहाँ पे बिल्कुल खड़ी चढ़ाई थी तो यहाँ पे हमारा थोड़ा बैलेंस खराब हो गया था, इसलिए गिरने वाले थे हम। तो जो आगे वहाँ पे है वहाँ पे थोड़ा सा पानी ज्यादा है, बाकी यहाँ पे बढ़िया है। हे गाइस, कम ऑन ट्रैवलर्स पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि नई नई वीडियोस की जानकारी आप सबको मिलती रहे। हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। तो जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। तो आपने जो कि मेरा लास्ट ब्लॉग देखा, जो रात को कल रात को साइकिलिंग करने गया हुआ था, और आज डेट है 3 अगस्त 2023, ठीक है, और इस समय 5:20 हो चुके हैं। और आज मैं एक और सफर पे निकल चुका हूँ, जो कि अभी मैं जा रहा हूँ जम्मू से काफी दूर। टाइटल देखे पता चल ही जाता मैं रियासी जा रहा हूँ, रियासी से आगे जा रहा हूँ, और फिलहाल अभी मैं जम्मू में ही हूँ। और हमारे साथ आज दो भाई हैं, और एक ही ये तुषार भाई और इनका नाम है राहुल। जय माता दी, जय। और बाकी की अपडेट ये है अभी यहाँ पे है, और आज मैंने कुछ राइडिंग कुछ डाला नहीं है, ना ही जैकेट डाले ना ग्लव्स डाले। तो जल्दी जल्दी भाई फोन कर रहा था, आ जा आ जाओ आ जाओ, इसलिए मैं आ गया हूँ। तो चलिए आगे चलते हैं, तो आपको आगे आगे के नज़ारे दिखाते हैं। तो अगली लोकेशन पे अपन पहुँच चुके हैं, जैसे चूल्हे वाली चाय वापस पहुँच गए हैं, और वो भाई लोग पीछे अभी आ रहे हैं आगे। चाय भी नहीं है? चाय भी नहीं है, हम चाय के शौकीन हैं। ठीक है, और एक यहाँ पे एक ऊपर भी है नीचे भी है। चलो, और दोस्तों यहाँ पे अभी हमने खाए हैं पनीर वाले पकौड़े और चाय, वही लास्ट टाइम की तरह। और इस समय 6 बज रहे हैं, और बाकी की अपडेट ये है, यहाँ से वो जो लड़के आए हैं भाई लोग अपने, वो निकल गए हैं, अभी मैं पीछे हूँ। तो अभी मैं भी निकलता हूँ, तो काफ़ी दूर जाना है। यहाँ का व्यू मैं कुछ खास दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि आपने यहाँ का व्यू पहले देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो पहले आप वो देख लें, मतलब इसके बाद आप इसको देख के फिर आप वो देखना। मैं अभी चित्रकोटली गया था तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा सिनेमैटिक शॉट ले लिया मैंने। तो चलिए अब आगे चलते हैं। और दोस्त अभी मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, और यहाँ पर पहले मैट ग्लाइड था, अभी उसका काम चल रहा है, और कुछ इस तरह की लोकेशन है ये। और अभी हमें यहाँ से होना है, यहाँ से लेफ्ट होना है, क्योंकि पहले आएगा कटरा, और कटरा के बाद आएगा रियासी, काफ़ी दूर है। तो पहले मैं जो भाई लोग हैं उनको पकड़ता हूँ पहले जाके। और चलिए, और दोस्तों अभी कुछ इस तरह के सुंदर रास्ते में पहुंच चुका हूँ मैं,
और आप ये देखिए कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जंगल है और थोड़ी ही देर में कटरा आने वाला है और यहाँ पे पहुँचे हैं ये लड़के अभी तक। मैं अभी इनको और दोस्तों अब हम फाइनली कटरा पे पहुंच चुके हैं। बाकी आप यहाँ की देखिए सुंदर नज़ारा और सामने माँ वैष्णो वाली का त्रिकुटा पर्वत। दोस्तों यहाँ पे आपको हम थोड़ा सा यहाँ का नज़ारा दिखा देते हैं कटरा का कि इस समय कटरा में कितनी भीड़ है, क्या माहौल है यहाँ का। और बाकी आप देख सकते हैं जो कि भक्तजन यहाँ पे काफ़ी हैं यहाँ पे। और ये हमारे अंकल बिना आगे पीछे देखे यहाँ पे चला रहे हैं। मौसम ठंडा हो चुका है यहाँ पे। दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और हम यहाँ से आगे चलते हैं। तो चलिए आप हमारे साथ। और दोस्तों यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मौसम जो है ख़राब हो चुका है। देखिए आप कितनी बारिश वाला मौसम बन गया है, पर हमें जल्दी जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा। अगर यहाँ पे बारिश आ गई, हमारा रेनकोट भी नहीं लाया हूँ मैं, और कार्यक्रम खराब हो जाएगा यार। और दोस्तों यहाँ से आप देखिए कितना सुंदर मौसम है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम भी लगा हुआ है। हम आगे से नीचे हो जाएंगे, हमने रियासी जाना है, पर यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा भक्तजन आए हुए हैं, भीड़ काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। बाकी आप मौसम के नज़ारे लीजिए ऊपर, काफ़ी बढ़िया मौसम हो चुका है यहाँ पे, ठंडा ठंडा। और ये है सामने जो आप देख पा रहे हैं ऊपर, ये है चरण पादुका और इस समय हम यहाँ पे हैं। बाकी काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग रही है ऊपर, क्योंकि भवन पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ होगी। दोस्तों यहाँ पे देखिए कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, मुझे लग रहा है जो माता के दरबार काफ़ी ज़्यादा रश लग रहा है इस समय। बाकी आप देख सकते हैं कि इस समय के कितने ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे। तो जी यहाँ पे अपन फाइनली यहाँ पहुँच चुके हैं। बाकी आप ये देखिए माता रानी का दरबार है यहाँ। और आप ये देखिए जो कि यहाँ से माता रानी का दरबार दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पे एक दो फोटो क्लिक करवाऊँगा मैं। और दोस्तों मैंने यहाँ पे फोटो भी क्लिक करवा ली है और बहुत ही मज़ा आ रहा है और यात्रा वाली फील आ रही है। एक्चुअली हम भी यात्रा में जा रहे हैं, दुर्गा माता मंदिर जा रहे हैं रियासी में। और बाकी यहाँ की अपडेट है, भक्तजनों को देख के बहुत ही मज़ा आ रहा है। कहीं जा रहे हैं, कहीं वापस आ रहे हैं और यहाँ से हम भी अपनी वहाँ की यात्रा शुरू करते हैं। तो जय कर रहा शेरा वली का बोल सच्चे दरबार की जय। और बाकी भाई ये यहाँ का सुंदर नज़ारा है, यहाँ से माता रानी की यात्रा शुरू होती है और जय माता दी। भक्तजन यहाँ पे आए हुए हैं तो चलिए लग जा ब्रेक। और अभी हम यहाँ से निकलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपकी छोटा सा हमारी कोशिश पसंद आई होगी। तो आप जय माता दी आज लिखना ना भूले और जय श्री महाकाल। अब हम कटरा को माता रानी को नमस्कार करते हैं, जय माता रानी। तो अब हम आगे की यात्रा संपूर्ण करते हैं। हेलो किच 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 किच, मौसम ठंडा है इधर है नहीं। और जी अभी हम नीचे आ गए हैं, अब हमने यहाँ से होना है राइड होना है यहाँ से अभी हमने, तो फिर राइड होके हम रियासी वाले रोड पे आ जाएंगे। चलिए बाकी निकलते हैं यहाँ से।
बाकी मौसम काफी ज्यादा ठंडा हो गया यहाँ पे है ना। मौसम आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ऊपर जो कि बादल है यहाँ पे, हाय। और दोस्तों कुछ ही देर में हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं, ये इस जगह का नाम है अगार, और यहाँ पे जो कि बाबा जीतो जी का मंदिर है, वैष्णो माता का मंदिर है यहाँ पे, बहुत प्राचीन मंदिर है। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आप यहाँ पे ज़रूर आएँ, हम आते वक्त यहाँ पे होके जाएंगे। पीछे ना एक लोकेशन हमारी मिक्स हो गई जिसको मैं कवर नहीं कर पाया, वो थी जगह नौ देवियाँ, पर बाकी हम वो क्रॉस करके आगे आ चुके हैं। और आप ये देखिए यहाँ पे रास्ता काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, और एक्चुअली यहाँ पे रास्ता नया बन रहा है, तो उस वजह से पूरी अभी 5-10 मिनट से ही ऑफ रोड ही है, सारा काम चल रहा है इधर सारा। दोस्तों अभी शाम का वक्त हो रहा है, और जो ये जो पत्थर वाला रोड है ना, इसमें चलाना थोड़ा मुश्किल है यार, स्लिप करती है बाइक। ये पूरा रोड ही इस तरह का आ रहा है ना, ये देखो है ना रोड, पूरा रोड ही पत्थर वाला आ रहा है यहाँ पे। और इस समय बाकी जो टाइम हो रहा है 7 बज रहे हैं, इस समय हम आराम से ही आ रहे हैं ना, इसीलिए ये देखो देखो है ना, पूरा पत्थर वाला रोड है, स्लिप होने का रहता है यहाँ पे। थैंक गॉड अभी रोड आ चुका है, और आप ये देखिए पक्का रोड फिर आ चुका है यार, बहुत ज्यादा रास्ता खराब है यहाँ पे ना, पूरी रोड ही तोड़ी हुई है यहाँ पे, तो उस वजह से ना। बाकी आप ये देखिए सामने जो पहाड़ है उस साइड, तो काफ़ी ज़्यादा उसमें बादल लग रहे हैं, और हम भी बस थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। मुझे लग रहा है वो खतरा वाली साइड है, यहाँ पता नहीं कौन सा एरिया है वो। और दोस्तों आप ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये DJI Osmo Action से ली हुई है 4K 30 फ्रेम पर सेकेंड पे। अगर आप ये कैमरा लेना चाहते हैं तो मुझे जल्दी से इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, और जितना हो सकेगा उतना मैं डिस्काउंट कर दूंगा। मुझे यार इसमें मुझे बेचना इसीलिए है क्योंकि यार मेरे को ना और कोई लेना है, और बाकी इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, सच्ची बोलूँ यार। बाकी आप देख पा रहे होंगे यार, अगर फॉल्ट होता तो बोलता थोड़ी मैं कि, बाकी आप वीडियो ये जो देख रहे हैं ये उसी से ही है। और दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं, ये जो है ये है सुल्ले बाग, और बाकी भाइयों को पूछता हूँ नहाना है या नहीं, बट मज़ा बड़ा आता है यार यहाँ नहाने का ना। यहाँ पे स्विमिंग पूल है बट वहाँ पे गंदा पानी है, और एक जगह साफ पानी भी है। क्या करना है, नहाना है? ये देखो देखो मुझे कैसे बोल रहा है भाई, आगे 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 है जी। अच्छा अच्छा, तो कोई बात नहीं गाइज, हमें यहाँ पे इन्होंने धोखा दे दिया। वो वाओ, यहाँ पे जाना तो बनता था यार। ए आओ यार चलते नीचे, माए आओ आओ आओ, राहुल चलते हैं यार नीचे, मजा आएगा। गाइज अभी हम ना यार, अभी मैं रुको, ये यहाँ से ये सुल्ला बाग है, और यहाँ से जो कि नीचे वाली साइड जाना है हमें, ये सुल्ला बाग,
और यहाँ पे पानी बहुत गंदा होता है, तो इसको छोड़ते हुए अब हम नीचे वाली साइड चल रहे हैं। ऑफ रोड है बहुत ज़्यादा। और भाई फाइनली नीचे पहुँच चुके हैं अब हम, और अब हम उसके पास चलते हैं, तभी के पास जाके गाइस 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 पहुँच गए हैं हम। और गाइस थोड़ा आगे चलते हैं अब हम, काफ़ी बढ़िया पानी आ रहा है। और स्कूटी यहाँ बाइक यहाँ पे लगाते हैं, स्कूटी बोल रहा था मैं ना, तो यहाँ पे थोड़ा नहाते भी हैं। और ये देखो यहाँ पे पानी, हम यहाँ पहुँच गए थे तो लोकेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तो चलो वहाँ पे नहाते हैं, भाई लोग वहाँ पे नहा रहे हैं और बहुत ही बढ़िया भैया पानी बहुत साफ़ है। तो जल्दी से जल्दी यहाँ पे काम ख़त्म करते हैं तो चलते हैं आगे। तो बहुत ही सुंदर लोकेशन है नहाने के लिए और पानी ठंडा है यहाँ पे, काफ़ी भाई अपने नहा रहे हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। चलो चलो मैं भी चलता हूँ आगे। और यहाँ पे पानी ज़्यादा नहीं है, इतना ही है हर जगह। और थोड़ा सा जो आगे वहाँ पे है वहाँ पे थोड़ा सा पानी ज़्यादा है, बाकी यहाँ पे बढ़िया है। अब हमने यहाँ पे काफ़ी देर नहा लिया है और इस समय टाइम हो रहा है, अच्छा 7:50 हो रहे हैं। और बाकी बहुत बढ़िया रहा, बहुत सी वीडियोस भी बनाई। तो चलिए अब हम वापस अपनी यात्रा को फिर से चलते हैं अपनी यात्रा के लिए। तो चलिए दोस्तों अभी हम रियासी में पहुंच चुके हैं, पर आगे से जो मेन जो रास्ता है ना वहाँ पे ना लैंडस्लाइड हुई है तो रोड बंद हो गए। इस साइड है भीमगढ़ फोर्ट, तो इस साइड से हमें जाना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये व्लॉग पसंद आया होगा, तो अगले व्लॉग के लिए बने रहिए और कमेंट करके बताएं आपको कैसा व्लॉग लगा। मुझे फॉलो कीजिए, थैंक यू।